हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मराठी एकेडमी पर। और आज हम करने जा रहे हैं 1000 क्वेश्चनों की साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसके अस्तित्व के कारण से निर्बंधित सिल्वर आर्टिकल्स हवा में प्रदर्शित हो जाता है? इसका आंसर क्या होगा? पार्टिकल्स निर्बंधित मतलब जो बंधे हुए नहीं होते हैं, जो बंद बनाए हुए नहीं होते हैं, वे सिल्वर पार्टिकल जो हवा में प्रदर्शित हो जाते हैं, किसके कारण हो जाते हैं? वो हो जाते हैं ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन के कारण, ओटू के कारण वे प्रदर्शित हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, सिल्वर तो आपको पता है एजी एजी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा रासायनिक तत्व सभी एसिडों में समान है? कौन सा तत्व है जो सभी एसिडों में समान होता है? ऑप्शन है ए बी सी और डी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो इसका जो आंसर होगा, आप सभी को बताया कि हाइड्रोजन सभी में एसिडों में सभी में कॉमन होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, HCl, H2SO4, इन सभी में हाइड्रोजन कॉमन है। तो ये जो तत्व है, ये सभी सभी जो है एसिडों के अंदर पाया जाता है। और क्षारों के अंदर, आप सभी को बताया, क्षार के अंदर OH पाया जाएगा जब वह क्षार कहलाएगा। अगर नहीं है तो वह क्षार नहीं कहलाएगा। तो कार्बन परमाणु क्रमांक 6 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8, इसका 1 होता है। और नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु क्रमांक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोमोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि किसके अंदर एंटोमोलॉजी का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है मछलियों का, कीटाणुओं का, आंत संबंधित बीमारियों का या बैक्टीरिया का। इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी के अंदर? तो आंसर होगा कीटाणुओं का। कीटाणुओं का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंदर किया जाता है। एंटोमोलॉजी अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो चलिए इसी में ये और देख लीजिए, ये पीसी कल्चर, पीसी ओके, पीसी कल्चर पीसी कल्चर पीसी कल्चर के अध्ययन पीसी कल्चर के अंदर मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गहरे समुद्र में गोता लगाते समय गोताखोरों को समस्या पैदा करने करने में कौन सी गैस जिम्मेदार है? गोताखोर जो पानी के अंदर तैरते हैं या पानी के अंदर जाते हैं किसी चीज को ढूंढने के लिए, तो उनको कौन सी गैस ज्यादा समस्या पैदा करती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इनको समस्या पैदा करती है। क्यों करती है? जैसे कि ये एक पानी से भरा हुआ तालाब है या एक समुद्र है, यदि इसके अंदर कोई भी गोताखोर अगर अगर अंदर जाता है, तो जो पानी है, जो द्रव है, दाब लगाता है। और जो जो ये नाइट्रोजन गैस है, वो इस दाब के कारण, यानी कि इस दाब के कारण जो ऑक्सीजन N2 गैस है, N2 जो नाइट्रोजन गैस है, वह रक्त में मिल जाती है, रक्त के अंदर घुल जाती है। रक्त के अंदर घुल जाने के कारण, रक्त के अंदर ऑक्सीजन तो जाती है, उसके साथ साथ N2 रक्त के अंदर घुल जाती है। जब ये व्यक्ति बाहर निकलता है, जब व्यक्ति बाहर निकलता है, तो N2 अपना
जो दबाव है वह के पर्यावरण के साथ साम्यावस्था में आने की कोशिश करती है, मतलब N2 गैस साम्य दाब लाने की कोशिश करती है। इसीलिए जब वह शरीर से बाहर तेजी से दाब के कारण बहुत शरीर से बाहर तेजी से बाहर निकलती है, जिसके कारण उल्टी हो जाने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है, और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आदमी मृत्यु भी हो जाती है इसके कारण। क्योंकि जो मनुष्य होता है उसके जो हाथ होते हैं वहाँ पे दरारे 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 होकर के वहाँ से निकलने लग जाती है, त्वचा के द्वारा भी बाहर निकलने लग जाती है, इसीलिए उसकी संभावना हो जाती है कि मर भी सकता है। तो N2 गैस जब वह अंदर जाते हैं तो उस दबाव के कारण वह घुल जाती है, और ये जब बाद में जब बाहर आता है तो N2 गैस बाहरी पर्यावरण के साथ दबाव को समान करना चाहती है, इसलिए बाहर निकलती है। ये रिपीट हो गया है, इसका आंसर यही होगा, नाइट्रोजन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में क्या इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो रॉकेट क्रायोजेनिक रॉकेट है, क्रायोजेनिक रॉकेट क्या होता है? क्रायोजेनिक रॉकेट वो होता है जिसके अंदर बहुत ही कम ताप पर मतलब वो उसमें ईंधन भरा जाता है, मतलब कि रॉकेट रॉकेट इंजन तो आप सभी को पता है, जो कि ये जो उपग्रह होती हैं सैटेलाइट उनको भूमि के जो पर्यावरण है उसको बाहर की तरफ वो प्रक्षेपित करने के लिए, इनके सैटेलाइटों को ले जाकर भू स्तर में प्रक्षेपित करने के लिए जो ये इंजन का उपयोग किया जाता है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। और जो इसमें ईंधन होता है ना, बहुत ही कम ताप पर इसका ईंधन भरा जाता है, और इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे निम्न तापी रॉकेट इंजन भी कहा जाता है, यानी कि निम्न तापी रॉकेट इंजन इंजन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ ऑप्शन है, यानी कि अत्यंत कम ताप वाले द्रव ईंधन, बहुत ही कम ताप पर द्रव भरा जाता है, मतलब इसके ईंधन माइनस में भरा जाता है, और जो भरा जाता है वो होता है कि एक तो होता है कि इसमें भरा जाता है द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन, याद रखिएगा ये दोनों भरे जाते हैं, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था। ये देखिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये जो नीचे जो लगे रहते हैं ये क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें कि मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके, ये देखिए आप इसमें, रुकिए मैं आपको, ऑक्सीजन गैस -183 और हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में आती है, मतलब इनको इतना डिग्री, यानी कि ऑक्सीजन जो गैस होती है, ऑक्सीजन गैस को -183 और हाइड्रोजन गैस को 253 डिग्री सेल्सियस पर, माइनस इतनी डिग्री सेल्सियस पर इसको तरल अवस्था में लाई जाती है ईंधन के रूप में, आप देख लीजिए ये क्रायोजेनिक इंजन का चित्र है, और आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और भी डिटेल्स लिखी हुई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्री मीरा किसे कहा जाता है, यानी कि कृत्रिम हीरा, एक तो नेचुरल हीरा होता है और एक कृत्रिम जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है,
वह किससे किसका बना होता है? ग्रेफाइट का, सिलिकॉन कार्बाइड का, एंथ्रेसाइट एंथ्रेसाइट कोयला या बिटुमिनस कोयला का? तो इसका क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड का बनाया जाता है। तो सिलिकॉन, ये इसका फॉर्मूला होता है SiC, मतलब सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, मतलब इसी को नाम से जाना जाता है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है कार्बो रुंडम, यानी कि लिख देते हैं कार्बो रुंडम इसका उदाहरण है। तो चलिए इसकी इमेज भी देख लीजिए, ये एक कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। जो रिंग्स के अंदर जो आते हैं, जो सिलिकॉन कार्बाइड के द्वारा कृत्रिम हीरा जड़ा हुआ होता है उसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नींबू का डायबैग रोग का कारण होता है, मतलब किसके कारण डायबैग रोग होता है? ऑप्शन है तांबा की कमी से, सोडियम की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से या जस्ता की कमी से। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तांबा की कमी से ये डायबैग रोग होता है। अब जो कॉपर की बात कर लेते हैं, तो कॉपर 29 परमाणु क्रमांक होता है, और जो जस्ता की वजह से भी होता है वो रोग मैं आपको बता देता हूँ। वो है आम और बैगन के लिटिल लीफ, जो आम होता है, आम व बैंगन में लिटिल लीफ इसका उदाहरण है। तो हमको दिखा भी देता हूँ डायबैग रोग क्या होता है नींबू के अंदर। ये देखिए, ऐसे एक नींबू होता है और उसमें ये सफेद वाइट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये डायबैग रोग के कारण हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे से पड़ जाते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, इसमें आपको सही तरीके से नज़र आ रहा होगा, ऐसे ये पूरा खराब हो जाता है नींबू, ये होता है डायबैग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल सहसंयोजक की ज्यामिति आकार क्या है, मतलब जल सहसंयोजक जो होता है उसकी ज्यामिति आकार क्या होगी? कोणीय, तरलीय, टेट्राहेड्रल या समरेख? तो जो इसका आंसर होगा टेट्राहेड्रल जल की आकृति होती है। तो देखते हैं, ऐसे होता है इसका हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, तो ये आकृति दिख रही है, ये टेट्राहेड्रल। इसको और तरीके से, ये तो 2D के अंदर है, तो इसमें जो होते हैं ये कोण जो होता है ना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जो दो हाइड्रोजन के बीच का जो बंध होता है वो होता है 104 डिग्री 45 सेकेंड मिनट, ये होता है 104 डिग्री कोण 45। और ये जो होता है, सॉरी इसमें कोई टाइम एम नहीं होता है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 104.45 डिग्री। और जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन के बीच में जो बंध होता है वो होता है 95.84 डिग्री, ये होता है इसका। ये PM के अंदर होती है, PM ये तो कौन होता है और ये होता है इसकी दूरी, सॉरी ये इसकी दूरी होती है PM में। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको। तो याद रखिएगा, जो जल की जो आकृति होती है, ज्यामिति आकृति वो टेट्राहेड्रल होती है। यहाँ पे देखिए आप, सॉरी इसमें तो क्या है कि थोड़ा दिख नहीं रहा, मैं आपको इसको ऐसे बना के दिखा सकता हूँ। ये जैसे हाइड्रोजन है और ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इनके दोनों के बीच की दूरी हो जाती है, वह वो कोण हो जाता है वो 104.5 के आसपास हो जाता है, ठीक है। और ये 3D में आकृति होती है इसकी, ये और ये टेट्राहेड्रल, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन,
टेट्राहेड्रन इसकी आकृति होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स जो एक्स रे होती है उसका उदाहरण क्या है, मतलब एक्स किरण क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, अविद्युत चुंबकीय तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। एक्स रे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बताइए कोई। अनुप्रस्थ तरंग वो ये तरंगें होती हैं जो ये अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत होती है, लंबवत तरंग संचरण की दिशा के लंबवत वे अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग जो अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है कि ये समांतर चलती है उस दिशा में, ऐसे होती है ये, ऐसे ये तो हो गई अनुदैर्ध्य तरंग और ये जिसके लंबवत चलती है, ठीक है। हम इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जो इसका एक एग्जांपल है अनुप्रस्थ तरंगों का, प्रकाश तरंगे याद रखिएगा, ये एग्जांपल पूछा जा सकता है। प्रकाश तरंगे, तनी हुई रस्सी ये इसका उदाहरण है। और आप सभी को बताया अनुदैर्ध्य तरंगों की अनुदैर्ध्य तरंगों का एग्जांपल तो द्विध्रुवीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, मतलब द्विध्रुवीय तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य तरंगों की तरंगे होती है, प्रकृति होती है जो। और एक्सरे तो आप सभी को पता है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो खोज की थी उनका नाम था विल हेल्म कॉन्ड्रेड रोटजेन, ये इसका नाम है। विद्युत चुंबकीय तरंगे तो होती है ये, और ये जो होती है इनकी 10 से 0.01 nm नैनोमीटर होती है, डायग्नोस्टिक में काम आती है, यानी चिकित्सा के अंदर जो एक्सरे वैक्सरे करवाया जाता है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। मैं लिख देता हूँ इसमें डायग्नोस्टिक के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है चिकित्सा के अंदर। रोटजन विकिरण भी कहते हैं आप, रोटजन विकिरण भी कहते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मतलब एक्सरे अगर खींचा जाता है तो उसमें पूरी हड्डियों की चित्र आ जाता है और पता लग जाता है चिकित्सा के अंदर, पता लग जाता है कि कहाँ पे कोई बीमारी है या फिर कोई हड्डी उड्डी क्रैक हो गई है इसके बारे में। ये देख लो हैंडमिड रिंगन मतलब रोटजन की पहली मेडिकल एक्सरे किरणों का प्रिंट इन्होंने इसकी खोज की थी, और वो इसकी पत्नी का हाथ का प्रिंट लिया था इन्होंने सबसे पहली बार। ये इसका सन है और डैट है। ये आयनीकरण जो ये एक्सरे होती हैं, ये आयनीकरण विकिरणें होती हैं, आयनीकरण विकिरण मतलब कि यह अगर किसी माध्यम से गुजर जाती है तो उस माध्यम को आयनीकरण कर देती है, मतलब उसका मतलब आवेशित कर देती है, आयनीकरण का मतलब ये समझो, ठीक है। तो ये चित्र है उसी टाइम का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करो, कौन सा शब्द है, जैसे कि विषाणु जो होता है इनकी जो पोलियो जो होता है वह विषाणु के द्वारा होता है। आप सभी को बताया जो पोलियो जो होता है विषाणु के द्वारा होता है, तो प्रोटोजोआ किसके कारण होगा, मतलब प्रोटोजोआ से क्या हो जाता है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डायरिया इसका आंसर होगा। पोलियो का जो एंटीजन है वो जो
ये पैदा मतलब जो ये जनक होता है वह एंटोरो वायरस, एंटोरो वायरस के द्वारा ये पैदा होता है। और हेपेटाइटिस आप सभी को पता है ये जिगर को नुकसान करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, रेबीज एनिमल्स के काटने से होता है, एनिमल के काटने से होता है। निमोनिया, निमोनिया एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है, निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, मतलब अगर सिरका बनाना है तो उसमें अब उसकी उसके अंदर क्या था, उसकी सहायता किसकी सहायता ली जाएगी। ऑप्शन है क्लॉस्ट्रिडियम लैक्टोबैसिलस या एसिटो बैक्टीर एसिटी या बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड। तो जो इसका आंसर होगा एसिटो बैक्टीर एसिटिक। आप सभी बताए सिरका, सिरका जिसका CH3COOH एसिटिक एसिड, इसे एसिटिक एसिड एसिड भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए विकल्पों में से बेमेल को चुनिए, मतलब कौन सा है, यानी कि कोई अलग चुनना है आपको, तो इसका क्या आंसर होगा। गलसुआ जो हमारे ये गले के अंदर ग्रंथि होती है, फूल जाती है गलसुए के अंदर। क्षय रोग आप सभी को बताया, टीबी, टीबी पोलिया जो बच्चों के अंदर हो जाता है, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, फ्लू। अब ये कौन सा फ्लू है, ब्लड फ्लू है या फिर आइस फ्लू है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा टीबी। टीबी जो होती है वह बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होती है ये बैक्टीरियल डिजीज है ये। ठीक है, पोलियो मैंने आपको बताया। अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में एंटोरो वायरस, ठीक है, और गलसवा, गलसुआ एक विषाणु जनित है, मतलब वायरस है, कुल मिला के बात है ये वायरस से होता है। ठीक है, ये भी वायरस से होता है, इसीलिए ये तीनों वायरस से है, इसीलिए ये अलग हो जाता है, ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हम चलो बात करते हैं गलसुए के बारे में, जो कि हमने बात नहीं की अभी तक, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला तो ये जो फूलने वाली ग्रंथि है गले के अंदर, जो तो फूलने वाली ग्रंथि है, उस ग्रंथि का क्या नाम है, तो उसका नाम है पैरोटिक ग्रंथि, पैरोटिक ग्रंथि, पैरोटिक ग्रंथि में संक्रमण हो जाता है, पैरोटिक ग्रंथि में संक्रमण मतलब कि ये जो होती है ये फूल जाती है, इनकी सूजन आ जाता है, इसमें सूजन की वजह से पैरोटिक ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। और ये कान के नीचे की तरफ होती है, कान के नीचे तक होती है, मतलब गले में, फिर गले ये जो कान के नीचे तक यहाँ तक फैली हुई होती है। और ये जिसका मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य जो इसका क्या है कि ये मुंह में लार व थूक का निर्माण करती है, मुंह में लार व थूक का निर्माण करती है, निर्माण करती है, मुंह में लार व थूक का निर्माण करती है पैरोटिक ग्रंथि, पैरोटिक ग्रंथि। तो चलिए
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है, यानी कि कौन सी जो तिरंगे हैं उनका उपयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इंफ्रासोनिक तिरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब इंफ्रासोनिक तरंगे क्या होती है कि ये जो इंफ्रासोनिक तरंगे होती हैं ये 20 हर्ट्ज से कम होती है, मतलब 20 हर्ट्ज से कम इनकी आवृत्ति होती है, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति आवृत्ति होती है, इसके कारण मनुष्य सुन नहीं सकता, मनुष्य को सुनाई नहीं देती है, ठीक है। अब ये जो उत्पन्न करने वाले हैं कौन कौन इसको उत्पन्न करता है, तो चलिए हम देख लेते हैं। मतलब जैसे कि अर्थक्वेक आपने सुना होगा, अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक इसका इसके द्वारा भी उत्पन्न होती है। दूसरा है थंडर, थंडर आता है तब होता है, और एक वोल्केनोज ओके, वोल्केनोज यानी कि भूकंप आ रहा है, तूफान, तूफानों के मतलब आने से पहले थंडर होती है वो, और वोल्केनोज जो ज्वालामुखी फटते हैं तब ये उसकी आवाज़ निकलती है, ये इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है, ये इनको मशीनों के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। अब मनुष्य तो नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ जानवर हैं जो कि सुनते हैं, जैसे कि एक तो है एलिफेंट, हाथी और व्हेल्स इनको सुन सकती है, यानी कि सुन सकती है, ठीक है, भी आटा से कम। तो चलिए हम देखते हैं भी है, ये देखिए इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक बिलो 20 हर्ट्ज से कम, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम इनकी आवृत्ति होती है, ये आप देख भी सकते हैं, ये इसका चित्र है। और ऑडियोबल फ्रिक्वेंसी वाली जो हम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज जो हम सुनते हैं, सुनने वाली आप देख सकते हैं इसको ऐसे। और अल्ट्रासोनिक जिसको सुनना हमारे कानों के लिए खतरा होता है वो होता है, ये देखिए इनमें आप देखिए कि इनकी आवृत्ति ज़्यादा है, यहाँ की जो इसकी डिस्टेंस है गर्त गर्त और सरंग सरंग के बीच की दूरी ज़्यादा है, तो ये आवृत्ति है, मतलब वो तरंग दैर्ध्य है इसकी, और भी कम तरंग दैर्ध्य है और इसकी बहुत ही कम तरंग दैर्ध्य होती है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन से दर्पण या लेंस का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर आप सभी को बताया कि जो सूर्य के जो लाइट आती है उसके द्वारा खाना पकाया जाता है सोलर कुकर। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, तो जो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण आप सभी को बताया ऐसे होता है जहाँ पर बाहर की ओर इसको लेपित कर दिया जाता है, और ये किरण कोई भी किरण आती है तो ये ऐसे टकरा के अंदर की ओर परावर्तित करती है। तो चलिए देखते हैं हम इसका सोलर कुकर का एक चित्र भी हमारे पास, ये देखिए ये यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे जैसे कि कोई किरण इस पर गिरती है तो ये ऐसे ऐसे जाती है, मतलब कोई भी किरण ऐसे आ रही है ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्टर है एक तरह का, ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी है, ये रिफ्लेक्टर है इसका, ये हैंडल है मतलब इसको ऐसे उठाने का, मिरर क्रॉस ये सब इसमें, ये इसके अंदर यहाँ पे जो खाना देखो ये रहा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी जो पकाना है उसको अंदर रखा जाता है, ये इसके ऊपर एक ये पूरा स्क्रीन इसकी, और
ये पूरा फेम वर्ग ये मतलब ये बना हुआ था, कांच का होता है पूरा ये, और इसके द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है अवतल दर्पण का, ठीक है। और इसकी पूरी डिटेल्स दे रखी है इसके अंदर, एक ग्लास प्लेट होती है, आप देख लीजिएगा इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑयल गैस एक मिश्रण है, ऑयल जो गैस होती है वो तो किसका मिश्रण होता है? संतृप्त ऑक्सीजन, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? तो उसका आंसर होगा संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका उपयोग किया जाता है, संतृप्त, संतृप्त क्या होता है? संतृप्त, संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। सॉरी मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होता है। ये जो होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, केवल कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। ओके इसको संतृप्त हाइड्रो कार्बन, ठीक है। इसमें कार्बन 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 के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है ऐसे, तो यहाँ पे जो होता है ये सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त में क्या होता है? असंतृप्त, असंतृप्त के अंदर जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड ऐसे और ऐसे, मतलब हमको चार से ज्यादा पूरी करनी होती है इसकी, और एक ट्रिपल बॉन्ड भी होता है ये। तो ये दोनों, ये और ये असंतृप्त के अंदर आता है और ये संतृप्त के अंदर आते हैं। तो समझ जाइएगा कि संतृप्त क्या होता है, कि संतृप्त में कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान से संबंधित है, उसी तरह ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी ये देख लीजिएगा, ऑर्निथोलॉजी यानी कि ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा चींटी, ची वो सॉरी चींटी नहीं, इसका आंसर होगा पक्षी, पक्षी इसका आंसर होगा। पक्षियों के अंदर ऑर्निथोलॉजी का उपयोग, मतलब ऑर्निथोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मछली के अंदर आप सभी को पता है पीसी कल्चर के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गनमेटल मिश्रित, जो गनमेटल है उसके अंदर कौन कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है? मिश्रण गनमेटल के अंदर, गनमेटल किस चीज का मिश्रण होता है? तांबा टिन फेरस, तांबा टिन जिंक सी लेड, तांबा फेरस जिंक, तांबा और जिंक। तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा तांबा टिन जिंक और लेड। तो चलिए हम देख लेते हैं, जैसे कि कॉपर, कॉपर होता है SN, टिन होता है ZN, जिंक होता है और PB, लेड होता है। अब इसके अंदर इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 86%, 86% इसकी मात्रा होती है। इसकी जो मात्रा होती है 9.5% होती है, इसकी जो मात्रा होती है लगभग 2.5 के आसपास होती है इसकी, 2.5, और इसके होती है 2%, 2% के आसपास इसकी होती है। तो ऑप्शन में ऐसे भी पूछा जाता है कि गनमेटल में सबसे ज़्यादा कॉपर होता है, उसकी लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 86% मात्रा होती है इसकी। तो याद रखिएगा तांबा टिन जिंक और सीसा। तो चलिए हम देखते हैं कुछ और भी गनमेटल के अलावा। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये सीट याद करने के लिए। पहले पहली तो है स्टेनलेस स्टील, स्टील लोहा की बनी होती है, तो लोहा तो ऑब्वियसली इसके अंदर होगा। क्रोमियम होता है,
क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज, Mn, ये इसके अंदर होते हैं। मेजर जो इसमें जो धातुएं होती है जो ये होती है, ठीक है। और इसमें आप कार्बन भी ले सकते हैं, कार्बन, कार्बन इसको मजबूती प्रदान करता है, स्टेनलेस स्टील को, ठीक है। ये रहा जो यहाँ पे कार्बन भी है, देखो पीतल जैसे कि तांबा व जिंक, Cu+Zn, कांसा भी है Cu+Sn, यानी कि सॉरी Cu+Zn और Cu+Sn, गन धातु, गन मेटल देख लीजिए आप, तांबा टिन और जस्ता, तांबा टिन व जस्ता, तांबा टिन और जस्ता और सीसा, इसी के इसके अंदर ये वो मेजर पार्ट होते हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। इसमें आप लिख सकते हैं कि Pb भी इसके अंदर होता है। और जंगरोधी, स्टेनलेस स्टील, इसमें लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। और ये है बेल धातु, तांबा और टिन, ये बेल और ये कांसा, इसका एक ही मिश्रण होता है, सोल्डर का याद रखिएगा, पूछा जाता है सोल्डर का होता है Pb+Sn, यानी कि सीसा और टिन, यानी कि लेड व टिन। और इसमें और भी है कि डेल्टा धातु, डच, तांबा व जिंक। और इसमें इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप तो ये याद रखिए, ये कांसा, गन धातु, पीतल और स्टेनलेस स्टील। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है, कौन सा सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो उसका सोडियम Na, परमाणु क्रमांक 11। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉर्च में किस सेल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन है लैक्लांस सेल, शुष्क सेल, लेड सेल और वोल्टिक सेल। तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा शुष्क सेल का उपयोग टॉर्च के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है, ऑप्शन है सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास, जैना ग्लास और क्राउन ग्लास। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है, तो इसमें है सोडा ग्लास, जिसे सोडा लाइम सोडा लाइम, ठीक है, सोडा लाइम ग्लास। इसका जो ऊष्मा प्रसार, मतलब ये ऊष्मा प्रसार गुणांक होता है ना, वो इसका कम होता है, इसका ऊष्मा प्रसार ऊष्मा प्रसार गुणांक कम होता है, मतलब ये ऊष्मा को ज्यादा दूर तक फैलाता नहीं है, मतलब ज्यादा दूर तक इसमें ट्रांसफर नहीं होती है ऊष्मा, ये होता है सॉफ्ट ग्लास। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ ग्लास की, जैसे कि ये पायरेक्स ग्लास है, पायरेक्स ग्लास जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रयोगशाला के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोगशाला केमिस्ट्री की जो लैब्स होती हैं उसके अंदर प्रयोगशाला में ये उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है, उपकरण बनाए जाते हैं इसके, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। पायरेक्स ग्लास, इनका जो भी उपकरण बनाया जाता है, ट्यूब बनाई जाती है उनका केमिस्ट्री के लैब के अंदर, केमिस्ट्री या और भी जितनी भी लैब है बायोलॉजी की, वो सब में इसका उपयोग किया जाता है। जैना ग्लास ओके, जैना ग्लास के बारे में बात करते हैं। इस सर्वोत्तम श्रेणी का ग्लास होता है, मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी ओके,
QLITY, क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का ये होता है, मतलब सबसे अच्छा ग्लास होता है जेना ग्लास। ये भी वैज्ञानिक उपयोग करते हैं वैज्ञानिक प्रायोगिक में, वैज्ञानिक प्रयोगों में इसका ग्लास का उपयोग किया जाता है। और बात करते हैं क्राउन ग्लास की, तो क्राउन ग्लास तो चश्मे होते हैं, जो चश्मे के जो ग्लास आते हैं उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है चश्मों में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पायरेक्स ग्लास, जो कि पिछली बार NTPC 2016 के अंदर पूछा जा चुका है ये ग्लास, ठीक है। क्राउन ग्लास भी पूछा जा चुका है, चश्मों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। जेना ग्लास जो कि सर्वोत्तम बेस्ट क्वालिटी का ग्लास होता है, ये वैज्ञानिक प्रयोगों में। और सोडा ग्लास आप सभी को बताया, यानी कि जो ये सॉफ्ट ग्लास के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि कितनी होती है? 5 से 7 दिन तक इसकी WBC की मतलब जीवन अवधि होती है, जीवन काल होता है, जीवन काल होता है, ठीक है। और RBC की लगभग 120 दिन तक वह जीवित रह सकती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को बताया कि ये होती है वह हमारी जो हमारा शरीर की रक्षा तंत्र है, मतलब रक्षा प्रणाली, इसी के द्वारा जो भी वायरस एंटीवायरस जो आते हैं उनसे लड़ने का कार्य WBC करती है, राइट ब्लड सेल, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है, यानी कि जो फ्यूज होता है हमारे घरों के अंदर, जो जो कि अगर ज़्यादा लाइट आ जाती है तो वह पिघल के टूट जाता है, और हमारे जो जितने भी मशीन्स होती हैं, जो भी TV, फ्रिज, कूलर जितने भी होते हैं, उन सबको ये खराब होने से बचाता है फ्यूज, इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है। तो वो किस धातु का बना होता है, मतलब किस धातु का बना होता है, ये तो सही है, लेकिन ये सबसे अच्छा कौन से धातु का बना होता है? ऑप्शन है तांबा, टिन, सीसा, तांबा व एल्यूमिनियम, लोहा तांबा मिश्रण, लोहा जस्ता का मिश्रण। तो आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा तांबा, टिन और सीसा, CuSn और PB, सबसे अच्छा मिश्रण तांबा होगा, उसमें टिन होगा और उसमें लेड होगा, तो वह फ्यूज अच्छी गुणवत्ता का होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी होता है कौन सा बल उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल, घर्षण बल और चुंबकीय बल। तो इसका आंसर जो होगा स्थिर वैद्युत बल, आप सभी को पता है स्थिर वैद्युत बल, यानी कि स्थिर वैद्युत बल जो होता है KQ1, इसका एक फॉर्मूला होता है Q1 Q2 / R2, इसका एक फॉर्मूला होता है स्थिर वैद्युत बल का। जो भी कोई भी दो आवेश होते हैं, कोई भी दो आवेश जैसे कि यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी तो ये हो जाती है और उसका स्क्वायर लिया जाता है, तो स्थिर वैद्युत बल उसे निकाला जा सकता है F। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ को हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है वह क्या है? कौन से पदार्थ को हथौड़े से पीटा जाता है तो वह चपटा हो जाता है? मतलब जिंक का दाना, जिंक के दाने को अगर पीटा जाता है तो वह चपटा हो जाता है, मतलब प्लेट की तरह हो जाता है, चद्दरों की तरह बन जाता है, वह जिंक का दाना होता है इनमें से, मतलब आयोडीन को अगर आप पीटोगे तो बारूद, मतलब वो दाने दाने से बन जाते हैं, सल्फर, कोयला। तो इसका जो आंसर होगा रियल में जिंक का दाना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? मतलब आप देखिए इसके अंदर, मतलब कोशिकाओं के द्वारा बनती है, जीवाणु बनता है, शुक्राणु भी बनता है, लेकिन विषाणु के अंदर कोशिका नहीं होती है, वायरस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर खड़ा हुआ कोई अंतरिक्ष यात्री किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है। चंद्रमा की सतह पर खड़ा हुआ कोई अंतरिक्ष यात्री किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद छोड़े गए बिंदु से सीधे नीचे की ओर गिर जाएगी, अंतरिक्ष में लटके रहेगी, ऊपर जाएगी, फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी।
ऊपर जाती रहेगी और कभी वापस नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? यानी कि ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, ये बात है। क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा पर आप खड़े हुए और वहां से गैस फेंकोगे तो ऑब्वियसली बात वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा का भी तो एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अभी निम्नलिखित में से कौन से विलयन से विद्युत का चालन नहीं होता है, मतलब ऐसा कौन सा विलयन है जिसमें से विद्युत का चालन नहीं होगा? नींबू का रस, सिरका, ग्लास नल का पानी और वनस्पति तेल। तो जो इसका आंसर होगा वनस्पति तेल के अंदर, वो वनस्पति तेल के अंदर विद्युत का चालन नहीं होगा। अब इसे आप एक कंसेप्ट सीख सकते हैं। तो वनस्पति तेल होता है ना, वनस्पति तेल, इसमें निकिल उत्प्रेरक, निकिल क्या है, एक उत्प्रेरक है, उसकी उपस्थिति में यदि हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो वनस्पति घी मिलता है। वनस्पति वनस्पति घी वनस्पति घी मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि ये वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। तो कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो वो निकिल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। और किसकी अभिक्रिया कराने से ये बनता है, तो वो हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराने से बनता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आकलन अनुपात होगा, सॉरी दोस्तों इसमें से थोड़ा हाँ सही है, ये ऊपर जाएगी और चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, ये बात सही है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। चलिए देखते हैं इसमें। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकन अनुपात होता है, सदैव एक से कम, सदैव एक के बराबर, एक से अधिक या एक के बराबर या कम। आप समझिए, कई बार क्या होता है कि जैसे कि ऐसा एक रास्ता है, ठीक है, तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन न्यूनतम दूरी होती है, दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है। यदि हम यहाँ से डायरेक्ट इसको नापते हैं, सॉरी ये दूर जो दूरी है, न्यूनतम दूरी है, वह विस्थापन है। ये विस्थापन है, ये विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। और दूरी क्या है, दूरी ये है, ये जो मैं घुमावदार जा रही है ये होती है दूरी, ये होती है दूरी, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि उसका क्या अनुपात होगा। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि दूरी ज़्यादा हो रही है और विस्थापन कम हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि रुकिए, ये है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो इसका विस्थापन और इसकी दूरी क्या होगी, दूरी और विस्थापन बराबर होगी। आप इसका न्यूनतम दूरी कहाँ से, इन दोनों के मध्य की जो बिंदु है, इन दोनों के मध्य के बीच की दूरी आप यहीं से तो नाप सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ऑब्वियसली बात है कि दूरी और विस्थापन बराबर हो जाएंगे। तो इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि जो दूरी होती है ना, वो दूरी बड़ी भी हो सकती है, हमेशा हमेशा बड़ी तो होगी होगी, लेकिन वह बराबर भी होगी विस्थापन के, कई परिस्थिति में विस्थापन के बराबर भी होती है दूरी। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, तो इसीलिए इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अमल चारक सूचकांक के रूप में प्रयुक्त कर सकता है? तो कौन सा अमल चार के रूप में प्रयुक्त कर सकता है? पहले तो आप जानिए दृष्टि दोष युक्त। अब दृष्टि दोष युक्त आप समझ सकते हैं कि एक तो होता है दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष, और एक होता है एक दूरदृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अभी के लिए इतना जानिए कि दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, इसमें यही तो इम्पोर्टेंट है। दूर की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि पास की वस्तुएं दिखाई देती है, पास की वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है। इसमें यही इम्पोर्टेंट होता है, दूर दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष इसका मतलब है निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो वेनिला सत, एक एक जूस टाइप में आता है, सिर्फ मतलब एक सिर्फ होती है पीने के लिए, उससे ये विद्यार्थी के लिए लाभदायक होती है। तो आप देख लीजिए ये एक ऑर्गेनिक वेनिला एसेंस है, ठीक है, ये वेनिला एसेंस इससे बनाई जाती है, वेनिला, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर ये वीडियो देखने के लिए, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।